कस्टमर एफआई आई एंड बहुत लंबी लाइन लगी हुई है. क्राउड इज लाइक टू मच एंड इट्स अ संडे टुडे और ऑलमोस्ट 1.5 टू 2 किलोमीटर्स की वॉक थी होटल से. वी हैव कवर्ड दैट एंड अभी फेज वन में जाने के लिए वेट कर रहे हैं. ऑलरेडी लंबा क्यू है, अच्छा खासा टाइम लगेगा. सो प्रॉपर लेयरिंग भी करके आए कल की तरह, गलती नहीं की हमने. एंड ऑनेस्टली काफ़ी गर्मी लग रही थी बाहर, तो एक बार बाहर धूप थी सो इतना लेयरिंग करके आए थे, थोड़ा गर्मी था बट अंदर आके थोड़ा अच्छा फील हो रहा है. ऊपर जाएंगे तो थोड़ा और टेम्परेचर बहुत ही कम हो रहा है. एक बार चलते हैं लाइक गुंडोला अभी. Guys, we have boarded the gondola now, and this is Nazir Bhai. He's our guide. Yeah. And अभी हम लोग जा रहे हैं phase one में. He's also clicking pictures for us. देख सकते हो कितना breathtaking view है यहाँ से. चारों तरफ snowy snow है. Yeah, this is Nikita's first gondola experience. मैं जैसे कि summer में आया था, but उसमें इतना snow नहीं था. And अभी तो full of snow है. ओके, मैं साइज का नंबर टेक्स्ट कर रहा हूँ, ठीक है ना. आपने अब द्रंग द्रंग और बाबरशी जा रहे हो आप लोग, दो तीन घंटे लग ही जाएंगे आपको, दो तीन चार. जी जी, आराम से आराम से. जी 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 जी, ज़रूर मैं आऊँगा. ओके सर, ज़रा ग्रास पर एक बार ऐसा वन हैंड से फोटोशूट चल रहा है. वो वाले आगे देखो. SMS को मैं नंबर खरीदा सुन, एम एस का फोन बोल, मैं जस्ट साहिल बोल रहा हूँ, एम एस का दरंग बाबर ऋषि, ठीक है. ओके, आप जो आप रिस्पॉन्स बोल. टिकट का बनता है, जितना ये पानी में रहता है ना उतना ये स्ट्रांग हो जाता है, लाइफ जो है ना इसका स्ट्रांग हो जाता है. दूसरा क्या, ये जो ट्री है ना काटना अलाउ नहीं करते हैं. ओके, एक एक ट्रीज का दो दो ढाई ढाई लाख का कीमत है. ग्रीन गोल्ड हो गया ये, और ये फॉरेस्ट में ना वाइल्ड एनिमल भी है. ओके, लेकिन सबसे बिग एनिमल जो है ना पता है कौन है? कौन? ह्यूमन. तो वाइल्ड एनिमल्स कब रात में ही निकलते होंगे ना? निकलते दिन में रहते तो... हैं गंदा जंगल है, दिन में भी निकलते हैं. अच्छा, यहाँ पे अच्छा. लोगों का आम अदरक होगा वहाँ तो नहीं आएगा. हाँ, डेंजरस है. गुलमर्ग इज हेवन पैराडाइज ऑन अर्थ. गुलमर्ग इज क्राउन ऑफ वर्ल्ड, बट यू पीपल क्राउन ऑफ गुलमर्ग. आप सही बात है सर, आप लोग के आने से गुलमर्ग का रौनक है, चार्मज है. नहीं तो क्या है यहाँ पे? पीछे हिमालयन देखो, पीछे जाओ. सॉरी सर, आप कब हो जाए? यहाँ पे सात जगह का पानी निकलता है. दिसंबर जनवरी में -20 हो के आप किसी जगह भी पानी देखेगा वो फ्रीज होगा, लेकिन ये जो पानी है ये गॉड गिफ्ट है. यहाँ पे ये फ्रीज नहीं होता है और 12 महीना कोल्ड वाटर रहता है, प्योर वाटर है ये. ओके, जैसा किसी का कुछ विश वगैरह होता है तो इसमें वो सिक्के डालते थे. अच्छा, पहले पहले तो
वो जो विश है उनका सो कंप्लीट होता है। अभी तो ये कचरा भी फैलाया हुआ है यहाँ पे देखा, ये जो कचरा फेंकते हैं ना ये टूरिस्ट ही यहाँ पे फेंकते हैं, यहाँ पे टूरिस्ट अगर बाहर फॉरेन कंट्री में किसी जगह जाएगा वहाँ फाइन करेंगे। लेकिन रेडी चलो करो अच्छे से चलो चलो करो ऊपर उछालो ऊपर उछालो। चलो पे स्कीइंग का पोज हो रहा है जो कि फेक है। हम दोनों को स्कीइंग नहीं आती है, दोनों ट्राई भी नहीं कर रहे, बट वी आर जस्ट पोजिंग। भैया पोज बताए अच्छा एक्टिंग चल रहा है। So guys, गोंडोला राइड और स्नो मोबाइल के बाद ऊपर आ गए। हमने अभी बहुत सारे फोटोज क्लिक करवाए हैं यहाँ पे, फेक स्कीइंग के फोटोज थे और स्नो बाइक के साथ भी फोटोज क्लिक करवाए। बट पीपल आर वेरी गुड फोटोग्राफर्स, कोई भी हो, जो भी तो वो स्नो मोबाइल वाले हो या फिर स्कीइंग वाले, टू हेल्प यू अ लॉट इन क्लिकिंग ग्रेट फोटोग्राफ्स। हम लोगों ने बाई द वे FII लॉन्ग राइड लिया था, सो वी पेड 2,000 rupees एंड थोड़ा आगे आए हैं, लाइक शॉर्ट राइड में थोड़ा पहले ही पॉइंट पे रोक देते हैं एंड यहाँ पे हमको सेल्फ ड्राइव करने का भी मौका मिला एंड दैट्स इट। हम लोग जाते हैं अभी फेज वन में, वापस जाएंगे उधर जाके और ब्लॉक करेंगे। स्नो बाइक राइड तो हो गई, अब थोड़े फोटोज वगैरह क्लिक करने जा रहे हैं। यस यस, तो भाई लोग हमारी स्नो बाइकिंग हो गई और बहुत सारे पोजेस में फ़ोटो खिंचवा लिए। हमारे गाइड है ये नज़ीर भाई, जैसे कि हमने दिखाया था, तो इनका नंबर हम अभी स्क्रीन पे दिखा रहे हैं। आप आइए, बेझिझक कॉन्टैक्ट करिए इनसे, कोई भी आपको कॉन्टैक्ट करेगा हमारे चैनल से
भाई आपको बिल्कुल अच्छा रिस्पांस देंगे और सही में काफी अच्छा एक्सपीरियंस हुआ हमें यहाँ पे। इन्होंने बहुत हेल्प करी हमारी एंड ही क्लिक्स ऑसम फोटोज, एन नंबर ऑफ फोटोज, एन नंबर ऑफ वीडियोस, वो खुद हमें आइडियाज दे रहे थे पोजेस के, तो काफी इनोवेटिव आइडियाज दिए हैं और बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा। थैंक यू भाई, वेलकम। एंड चलते अभी आगे, थोड़ा चाय कॉफी पीते हैं, गला पूरा सूख रहा है, आगे जाके ब्लॉग करेंगे थोड़ा। अब वापस आ रहे हैं कंट्रोलर राइड से। तो गाइस वी आर बैक और वापस रिटर्न का गुंडोला ले लिया है, नीचे जा रहे हैं अब। एंड कार्डियो हो चुका है हमारा, फुल कार्डियो, फुल मजे एंड बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस रहा नजीर भाई के साथ, बहुत ही अच्छा। एंड गुलमर्ग सक्सेसफुल फर्स्ट फेज और अब कल हम लोग श्रीनगर जाएंगे, वहाँ से आगे की जगह कवर करेंगे, आगे के डेस्टिनेशन। आप लॉन्ग राइड लू अगर आप ले सकते हो तो, बिकॉज काफी देर तक इवन हम लोग को ड्राइव करने का मौका मिला एंड भैया लोग ही वीडियो बना दे रहे थे, इवन वहाँ पे स्कीइंग के पोजेस और ये सब भी दिए, सो काफी अच्छा एक्सपीरियंस रहा। एंड आज रात में देखते हैं, आज शाम में थोड़ा मार्केट एक्सप्लोर करेंगे, बाकी कल सुबह निकलना है हम लोग को, और अभी नहीं बताएंगे, बाद में बताएंगे हम लोग कहाँ रुक रहे हैं, क्या कर रहे हैं, सो इट विल बी अ सरप्राइज काइंड ऑफ थिंग, कल डिस्क्लोज करेंगे, वो मोस्ट प्रोबेबली नेक्स्ट व्लॉग में आएगा। बाकी ये गुलमर्ग का व्लॉग था, अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज ड्रॉप अ लाइक एंड सब्सक्राइब करो जल्दी से। Guys, we are very close to 500 subscribers. Please, yes. जल्दी से जल्दी 500 subscribers कर दो हमारे. जल्दी से. Share it with your family and friends. WhatsApp status पे please link post करो video का. हाँ. If you really like our content. एंड भैया का नंबर हम लोगों ने ऑलरेडी दिया है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी देंगे, ठीक है, आप कॉन्टैक्ट करो उनसे, मेरा नाम आप बताना, शायद हो सकता है पहचान जाए, उनके पास तो डेली इतने गेस्ट आते होंगे कि नहीं पहचानेंगे शायद, लेकिन आप बोल देना कि यूट्यूबर कपल थे और ऐसा ऐसा आए थे। आज क्या डेट है, सो 6 मार्च को हम लोग आए हैं यहाँ पे एंड इधर फुल स्नो है, और भैया कब तक रहेगा, शायद ये 20-25 जो आप मार्च अप्रैल मई में आएगा तब भी आपको यहाँ पे स्नो मिलेगा, मई जून में जो बर्फ है मेल्ट अच्छा। होता जाएगा, बर्फ आपको ऊपर मिलेगा ही मिलेगा, गुलमर्ग फेज टू में मिलेगा ही, गुलमर्ग में 12 महीना बर्फ होता ही होता है। ओके ओके ठीक है, तो गाइज आप लोगों को पूरी इन्फॉर्मेशन हम लोग दे रहे हैं वीडियो में, सो प्लीज ड्रॉप अ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करो ये वीडियो को अपने फैमिली के साथ, फ्रेंड्स के साथ, जिन लोगों को कश्मीर प्लान करना है, ठंडी में आओ, गर्मी में आओ, हम लोग सारे डिटेल्स आपको बताएंगे अच्छे से। एंड कुछ भी डाउट है तो आप भैया से पूछ सकते हो, आने से पहले उनसे कॉन्टैक्ट कर सकते हो, आप आओ उनसे कॉन्टैक्ट करो, उनको साथ में रखो, बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस होगा। सो टिल देन, हेवन ऑन अर्थ गाइस, मस्ट विजिट, या सो वी विल सी यू इन द नेक्स्ट व्लॉग, टिल देन गुड बाय, टेक केयर एंड स्टे सेफ, बाय बाय।